ये बेला इस एबीसी परिवार के सुनहरे और स्वर्णिम दौर के बीच एक विराम और बदलाव का समय है, क्योंकि ये जो 3 वर्षों का समय था, इसमें ईश्वर ने इस एबीसी परिवार को ऐसा व्यक्तित्व को दिया था जो सचमुच एक महान व्यक्ति है, एक मंझे हुए प्रशिक्षक जिसके पास करीब 20 वर्षों का पुरोहिताई प्रशिक्षण कार्य का अनुभव है। प्यारे दोस्तों, फादर नरेश को पाकर यह परिवार सचमुच बहुत धन्य हुआ है, विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ा है, नई पहले की है, नए ऊंचाई को छुआ है, इस अपोस्टोलिक स्कूल को एक नई दिशा मिली है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि फादर नरेश ने न केवल इस अपोस्टोलिक स्कूल में ही वरन रांची के धर्म प्रांत के पुरोहित प्रशिक्षण कार्य में इन 3 वर्षों में बहुत बड़ा योगदान दिया है। प्रशिक्षण कार्य को एक नई दिशा देने का कार्य किया है। प्यारे फादर, हम आपकी जितनी प्रशंसा करें कम है। हम सभी कोई जानते हैं और फादर नरेश के जीवन को देखने से यह स्पष्ट है कि वे जेंटलमैन हैं, एक सज्जन व्यक्ति हैं। उनमें अपार प्रेम, धैर्य, करुणा, सहानुभूति और विनम्रता है। प्यारे फादर, आपका जीवन सचमुच अत्यंत अनुकरणीय है। आप एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं और आप अपने काम के प्रति अत्यंत गंभीर हैं। आप हर वक्त कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। You always try to do think out of box, always try to do something extra than what you are interested. इस प्रकार से आप एक बहुत ही सृजनात्मक व्यक्ति हैं। प्यारे फादर नरेश, आपने हमें इस अपोस्टोलिक स्कूल में कभी भी बोरिंग नहीं होने दिया। आपने हमें खेल खेल में मौज मस्ती कराते हुए बहुत सारे चीजें सिखाई, जैसे सुबह सुबह आपने सुंदर, दिलचस्पी और ज्ञान भरे उपदेश के द्वारा बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों को बताते थे और धर्म ग्रंथ का मर्म समझाते थे। समय समय पर हमें अंग्रेजी पढ़ाते और अंग्रेजी बोलना सिखाते थे। छुट्टी के दिनों में नए नए खेल और एक्टिविटीज सिखाते थे और हमें मस्ती कराते थे। विभिन्न अवसरों पर उन अवसरों का मर्म समझाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन करते थे, जैसे करम पर्व के अवसर पर करम नाच सिखाते थे। माता मरियम को समर्पित महीने में माता मरियम से संबंधित क्विज कराते थे, मैरियन नाइट का आयोजन कराते थे, पास्का पर्व के समय एमाउस डे का आयोजन कराते थे। समय समय पर पार्टी गेम्स और फ्री डांस का आयोजन कराते थे। हर महीने विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताओं और क्विज का आयोजन कराते थे और हमें आगे बढ़ने का भरपूर मौका देते थे। आप संगीत के भी बहुत अच्छे ज्ञाता हैं और हमें बहुत सारे गीत सिखाए, सुंदर सुंदर नाटक और रोल प्ले सिखाए, हर समय हमारी मार्गदर्शन किया है और हमेशा हमें सही रास्ते पर चलने का प्रयास किया है। और बहुत सारी चीजें हैं जो आपने हमारे लिए किया है। प्यारे फादर नरेश, आपने आपके सानिध्य में बिताया हुआ पल हम कभी नहीं भूल पाएंगे। आपको सचमुच में हम बहुत याद आएंगे। देने को हमारे पास नहीं है कुछ खास, सोचकर हमारा मन बहुत है उदास। देने को हमारे पास नहीं है कुछ खास, हमारा मन बहुत है उदास। आप चले जा रहे हैं हमें छोड़कर, पर आप रहेंगे हमेशा हमारे दिल के पास। आज जब आप यहाँ से जा रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि हम आपको कुछ दें, पर
परंतु आपने हमारे लिए जो किया है उसके बदले में हम कुछ देने के काबिल नहीं है। हम धन्यवाद के सिवा और कुछ नहीं दे सकते हैं। प्यारे फादर नरेश, आज हम पूरे एबीसी परिवार की ओर से आपको बहुत 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 धन्यवाद देते हैं और अपना आभार प्रकट करते हैं। आज हम पूरे एबीसी परिवार की ओर से आपको आगे के जीवन के लिए और नई जिम्मेदारी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपके उलाहटीय जीवन को ढेर सारे कृपा दान से भर दे, आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे और सभी मुसीबतों से बचाए रखे, ताकि आप और भी बहुत सारे लोगों को ईश्वर के मार्ग पर ले आए। ना आकाश के तारों से, ना उड़ते पंछियों की कतारों से, ना गुलस की बहारों से, ना समुद्र की लहरों से, डियर फादर नरेश, आपको हार्दिक शुभकामनाएं दिल के गहराइयों से।